हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ गेट एक्सेल केमिस्ट्री 2014 का। ओके, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। टोटल मार्क्स आपके 26 होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, दैट इज 25%। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप पेन एंड नोटबुक बिल्कुल रेडी कर लीजिए। आपको एक मिनट का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो बेसिकली आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैप्थिलीन कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है। एंथैल्पी फॉर एटमाइजेशन आपको गिवन है, हाइड्रोजन की भी एंड कार्बन की भी। ओके, तो अब आपको सिंपली पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन की जब भी बात होती है तो आपको डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट करना है। आपको इक्वेशन पता है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे या फिर हम बोल सकते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट जो भी होंगे प्रोडक्ट के केस में, आपको सिंपली उनसे मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब की एंथैल्पी को ऐड करना है एंड देन आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। ओके, सो जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको पता चलता है करेक्ट आंसर आता है 455 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, दैट इज -455 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखो, डाई फॉस्फोफोनिक एसिड H4P2O5 हैज नो पीपी बॉन्ड, दिस एसिड इज। आपको बताना है इस एसिड के अंदर ये एसिड टेट्रा बेसिक है, ट्राई बेसिक है, डाई बेसिक है या फिर मोनो बेसिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। आप जैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेसेबल हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर की बेसिसिटी हो जाएगी 2। ओके, तो करेक्ट आंसर जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉल ऑफ मास 330 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड इट इज एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 1 × 10⁻³⁻³ मीटर। द स्पीड ऑफ बॉल इज इन मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली आपको मास गिवन है एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है। मास आपको ग्राम्स में गिवन है, तो सबसे पहले आपको किलोग्राम में मास को कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी। यहां से आप देखोगे, इंटरचेंज करोगे वैल्यूज, तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एम इंटू लैम्डा। वैल्यूज पुट करोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे, मास को केजी में कन्वर्ट करोगे, तो आपको मास मिलेगा बॉल का 0.33 kg इंटू लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 1 × 10⁻³⁻ मीटर। सॉल्व करोगे इक्वेशन, आपको वैल्यू पता चलेगी वेलोसिटी की 2 m/s। तो करेक्ट आंसर जाएगा 2 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो गाइस आपको अब बताना है मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है आपको फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स दैट इज 4 μb। एटॉमिक नंबर आपको कोबाल्ट का गिवन है 27 एंड आपको सीएफएसई कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ओ यूनिट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बेसिकली आपको पता है सीओ सेकेंड जो होता है वो होता है D7 सिस्टम। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी एंड सीएफएसई को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भरा, जैसे कि आपको दिख रहा है T2g के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने -0.4 × Δ O × 5 किया प्लस 0.6 Δ O × जो भी आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ईजी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 2, तो आपने मल्टीप्लाई किया 2 से एंड जब आप ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है आंसर आता है -0.8 Δ O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस। तो अब आपको 4 कंपाउंड्स गिवन है, आपको बताना है RS कॉन्फ़िगरेशन किस कंपाउंड के अंदर मिलेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे आपका R कॉन्फ़िगरेशन है एंड थर्ड कार्बन पे आपका S कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइम अप गाइस, तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3- एंड NH4+ में, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वी क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट कंपाउंड। एम क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। एंड सी एंड ए आर दी टोटल कैटायनिक चार्ज एंड टोटल एनायनिक चार्ज। एक एक करके आप चारों कंपाउंड्स के अंदर जब ये चीज देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस कंपाउंड के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो NO2+ के अंदर आपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करी तो आपको पता चला sp हाइब्रिडाइजेशन है। NO3- के अंदर sp2 है एंड NH4+ के अंदर sp3 है। तो आपका करेक्ट जो ऑर्डर जाएगा वो जाएगा sp, sp2 एंड sp3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो गाइस, अब आपको फिनॉल के साथ Br2 की रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ CS2 एंड लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो गाइस, जब भी आपको टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा एंड Br2 होगा, तो फिनॉल के साथ आपके पास पैरा ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, पैरा ब्रोमो फिनॉल आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस। तो अब आपको बताना है द एसिड दैट अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडियली अपॉन हीटिंग इज। आपको बताना है इन चारों कंपाउंड्स में से ऐसा कौन सा एसिड है जो कि डिकार्बोक्सिलेशन देगा, मतलब आसानी से इस कंपाउंड्स में से CO2 गैस पास आउट हो जाएगी। तो गाइस देखो, इन चारों कंपाउंड्स के अंदर से ये जो ऑप्शन नंबर सी है, इसके अंदर आपके पास बीटा कीटो एसिड है, ये आपका CH2 है, ये आपका अल्फा ग्रुप एंड यहां पे आपका कीटोनिक ग्रुप है, दैट इज बीटा ग्रुप। तो अब जो बीटा कीटोनिक एसिड्स होते हैं वो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 गैस आसानी से पास आउट होने देते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। ओके, एंड मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से फॉलो होगा। जब यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी तो आपको एक कीटोन ग्रुप मिलेगा एंड साथ ही साथ CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम अप गाइस। तो गाइस अब आपको बताना है, अज्यूमिंग द आइडियल कंडीशन द सॉल्यूशन दैट हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो गाइस देखो, फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो जब भी सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपकी मोलारिटी भी हो सकती है, मोलालिटी भी हो सकती है। एंड कंसंट्रेशन के हाई, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कंसंट्रेशन के इनवर्स रेशो में प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मोर इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोर द मोलारिटी और मोलालिटी, मोर इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड लेसर इज द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी। मतलब जितनी ज्यादा मोलारिटी होगी उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट होता जाएगा। अब देखो, चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा मोलारिटी कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी में। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन नंबर बी और सी बचा, इन दोनों में से देखना है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रखा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप डिसोसिएट करोगे तो आपको तीन पार्टिकल्स मिलते हैं, 2K+ एंड 1Cr2O7-। मतलब आपके पास टोटल तीन पार्टिकल्स हो गए यहाँ पे। एंड NaCl को जब आप डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पे मिलते हैं दो पार्टिकल्स, Na+ एंड Cl-। ठीक है, तो इसीलिए हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, क्योंकि यहां पे भी इनवर्स रिलेशन फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस। तो अब आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आपको ग्रुप चेक करने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब प्लस एम ग्रुप अटैच है या फिर माइनस एम ग्रुप अटैच है। जब आप ये चीज चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा करेक्ट ऑर्डर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, देन 3, देन 2 एंड देन 1। ओके सॉरी, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर जाएगा आपका थर्ड वाले केस में, जहां पे NO2 ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये देखो आपको पूरा मैकेनिज्म बता रखा है, आप यहां से देख सकते हो। तो करेक्ट ऑर्डर जाएगा सबसे ज्यादा 3 में, देन 4, देन 2 एंड देन 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 3, 4, 2 एंड 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम अप गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से है। आपको बताया गया है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज 20 मिनट्स, एंड अब आपसे 99.9 कंप्लीशन के लिए रिएक्शन में टाइम पूछा गया है। काफी इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता है टी हाफ एंड टी 99% में जो रिलेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी 99.9% इज इक्वल्स टू 10 × t½। एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको टी हाफ की वैल्यू गिवन है 20 मिनट्स, तो टी 99.9% की वैल्यू हो जाएगी 10 × 20 मिनट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 200 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस, तो आपको बोला गया है अ हाइड्रोकार्बन दैट अंडरगोज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ Me2S टू फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लायोक्सिल इज, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहां पे आपको ओजोनोलाइसिस कराना है, जैसे ही आप इस कंपाउंड के अंदर हाफ बेंजीन रिंग जो है आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन, 5 कार्बन रिंग के अंदर जैसे ही आप ओजोनोलाइसिस कराते हो तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलता है। फर्दर आप इसका ओजोनोलाइसिस कराते हो तो आपको ग्लायोक्सिल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोडक्शन मिलता है, तो ऑप्शन आपका जाएगा करेक्ट डी। ओके, so this was all about today's analysis guys. If you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe. And अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, अगर आप CSIR UGC NET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हो ऑन Unacademy प्लेटफॉर्म। Unacademy प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइफ टेस्ट एंड क्वेजेस एंड एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, जो कि बेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी।